अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ अरेबियन खबसा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल लें और इसमें चावल को डाल लें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास ये खरीद चावल लिया है। अच्छे से इसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद वॉश करके इसे 1 आवर के लिए भिगोने रख दें। मैंने यहाँ 600 ग्राम्स के करीब चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश करके रख लिया है और इस चिकन में इस तरह से कट्स लगा लिए हैं ताकि हमारे मसाले अच्छे से इसमें लग जाएं। खबसा मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 स्पून के करीब धनिया, 1/2 टीस्पून सौंफ, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग और 3 छोटी इलायची लिए हैं। इन तमाम मसालों को एक पैन पर रख के हल्के से भून लें और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लें। इसे साइड में रख लें। तो चलिए हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक बर्तन ले लें और इस बर्तन को मीडियम हाई पे रख लें और इसमें ऐड करेंगे हम 4 से 5 स्पून के करीब ऑयल। आप कौन सा भी मिनरल ऑयल या मामूल ऑयल जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं लगेगा। और इसमें हम डालते हैं 2 बड़े कटे हुए प्याज डाल लें और इसको ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन कर लें। प्याज हल्की सी ब्राउन होने के बाद हम इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा और साथ में कैप्सिकम भी ऐड करेंगे। कैप्सिकम से अच्छा काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। ऐड करते हैं यहाँ पर 1 स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। इस मिल जाने तक इसको फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हम यहाँ ऐड करते हैं थोड़ी सी कोथिमीर और पुदीने के पत्ते। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। मसालों को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम यहाँ पे अपना साफ़ किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे चिकन के बड़े पीसेस ले रही हूँ, आप चाहें तो छोटे भी ले सकते हैं। ये तकरीबन 600 ग्राम्स के करीब चिकन है। खबसे के लिए बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं। और इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून के करीब नमक। अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम यहाँ ऐड करते हैं लेमन पील यानी कि नींबू का छिलका। ग्रेट करके मैंने इस तरह से 1/2 स्पून के करीब ऐड किया है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही ऐड करते हैं यहाँ पे हमारा बनाया हुआ खबसा मसाला 1 स्पून के करीब। इतना काफ़ी है। खबसे में ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता क्योंकि ये एक सिंपल सी डिश है। चिकन को इन मसालों में 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह इस तरह से काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैंने यहाँ 1.5 गिलास चावल के लिए 3 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है और 1 गिलास एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड करेंगे यानी कि तकरीबन इसमें 4 गिलास पानी जाएगा क्योंकि इसी पानी में हमको अपने चिकन को बॉईल करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इस प्रोसेस में 1 गिलास पानी आसानी से अब्ज़र्व हो जाएगा तो एक्स्ट्रा 1 गिलास ऐड कर लें। लिड को कवर कर लेते हैं और दूसरी तरफ एक पैन लेंगे। इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। सारे मेवों को हम बारी बारी इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमें इसे अलग कर देंगे। अगर आपको लगे कि घी ज़्यादा है तो आप उसे साइड में निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया था तो इसलिए मैंने इसे रिमूव कर दिया। और इसी में हम ऐड करते हैं अपने किशमिश।
उसे भी साइड में ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी चिकन की तरफ। मटन भी यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा गल चुका है। अब हम इसको अलग कर लेंगे, यानी कि इसमें से हम निकाल लेंगे, ओनली चिकन को हम निकालेंगे और इसे साइड कर देंगे, क्योंकि हमको इस पानी में अब चावल पकाने हैं। चिकन के पके हुए पानी में ही हम अपने चावल पकाएंगे। चिकन ने अपना सारा टेस्ट पानी में छोड़ दिया है, जिससे ये चावल काफ़ी टेस्टी बनते हैं। चिकन का सारा जायका इस पानी में अब्सॉर्ब हो चुका है और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। तो हम इसमें अपने सोक किए हुए चावल ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। एक गिलास पानी अब्सॉर्ब हो चुका है, अब सिर्फ इसमें 3 ही गिलास पानी बचा हुआ है, जो हमारे चावल के लिए काफ़ी है। और हम इसमें और ऐड करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक, या फिर आप अपने हिसाब के ले लें ज़्यादा या कम, और मिक्स कर लें अच्छे से। और जो ये बॉयल हुआ हुआ चिकन है, हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें साथ जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा ऐड कर लें। और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, या फिर मैं यहाँ पे चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ, और आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो नमक और ये मसाला ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऐड करने से थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर आएगा। और दूसरी तरफ एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल या घी ऐड कर लेके थोड़ा सा ये हमारा ऑलरेडी बॉयल हुआ चिकन है, तो इसे हमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसके साइड्स को थोड़ा सा लाल होने तक फ्राई कर लें, साइड्स चेंज करके, यानी अलट पलट के साइड्स पूरे साइड्स को कवर कर लें। जस्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए इस तरह से माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, थोड़े से क्रिस्पी, अंदर से स्पंजी रहेगा ये। चावल को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ऑलमोस्ट हमारे चावल पक चुके हैं, देखिए। काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। अब सिर्फ इसको हम 5 मिनट्स के लिए, जो हमारा फ्राई किया हुआ चिकन है, वो ऐड करके सिर्फ 5 मिनट्स के लिए इसे हम दम देंगे। लिड को कवर करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। देखिए 5 मिनट बाद माशाल्लाह अब ये दम हो चुका है। तो हम इसे अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। जो हमारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, हम उसको ऐड कर लेंगे इस तरह से। मैं यहाँ पे सारे ऐड कर रही हूँ। खबसा रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, मेरे बताए हुए प्रोसेस से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। आप इसको सैलेड के साथ, और 3 स्पेशल इसकी चटनियाँ हैं, इन रेड, वाइट एंड ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं इन चटनियों की रेसिपी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।